गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं का पाठ 17 सांख्यिकी पढ़ने वाले हैं। बच्चों, गणित की कई शाखाएं होती हैं, ये तो आप जानते ही हैं, जैसे ज्यामिति, बीजगणित, और उन्हीं में से एक शाखा है बच्चों सांख्यिकी, और आज हम उसी का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन एवं अध्ययन किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि सांख्यिकी के अंतर्गत आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चों, सांख्यिकी में जो सबसे अधिक आप शब्द सुनने वाले हैं वो है आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं। बच्चों, जब भी हमें कोई निर्णय लेना होता है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ संख्यात्मक जानकारियों की आवश्यकता होती है, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आंकड़े। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए बच्चों, यदि मुझे अपनी कक्षा में पेंट कराना है और मैं चाहती हूँ कि मेरी कक्षा में बच्चों के पसंदीदा रंग का पेंट हो, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, उसके लिए जानकारियाँ चाहिए कि कक्षा के कितने बच्चों को कौन कौन सा रंग पसंद है। तो मैं कक्षा में बच्चों से पूछूंगी, और सबसे अधिक जो बच्चे जिस कलर को, जिस रंग को पसंद करेंगे उसी रंग का मैं उपयोग करूंगी कक्षा को पेंट करने के लिए। तो जो संख्यात्मक जानकारियां होती है बच्चों, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि आंकड़ों का संकलन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, किन किन विधियों के द्वारा हम आंकड़ों का संकलन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो विधि पढ़ने वाले हैं वो है टैली विधि। आंकड़ों के प्रत्येक मान के लिए बच्चों, जब हम एक खड़ी लकीर खींचते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टैली विधि कहते हैं। और इस विधि से जो हम सारणी प्राप्त करते हैं उसे हम बारंबारता सारणी या टैली चार्ट, या अंग्रेजी में हम इसे फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टैली चिन्हों का प्रदर्शन किया गया है 1 से 10 तक की संख्याओं का। आप देख पा रहे होंगे कि खड़ी लकीरें खींची गई हैं, और जब 5 संख्या के लिए टैली से इसे प्रदर्शित करना रहता है तो 4 खड़ी लकीरों को एक तिरछी लकीर काटती है। इसी प्रकार यदि हमें 6 का प्रदर्शन टैली विधि से करना है तो पहले हम 5 बना लेंगे, 4 खड़ी लकीरों को तिरछी लकीर से काटकर, और उसके आगे हम 1 खड़ी लकीर लगा देंगे। इस प्रकार से बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं को टैली मार्क्स के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आगे हम जानेंगे बच्चों कि चित्र आरेख क्या होता है। जिस प्रकार से अभी हमने टैली विधि को जाना है, आंकड़ों के संकलन की विधि है वो प्रक्रिया है, इसी प्रकार बच्चों आंकड़ों के संकलन की जो दूसरी विधि है वो है चित्र आरेख, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पिक्टोग्राफ। आइए जानते हैं बच्चों हम पिक्टोग्राफ क्या होता है। पिक्टोग्राफ में बच्चों आप जो वर्ड सुन रहे हैं पिक्टो, उसका मतलब होता है पिक्चर, यानी पिक्चर्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से जब हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं तो उस विधि को हम चित्र आरेख कहते हैं, और अंग्रेजी में हम इसी को पिक्टोग्राफ कहते हैं। यह बहुत ही रोचक होता है बच्चों, इसे देखकर ही आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें किन किन आंकड़ों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको इस चित्र आरेख में एक सर्कस में सोमवार से शनिवार तक दर्शकों की संख्या दी गई है। यहाँ पर बच्चों जो चिन्ह दिखाई दे रहा है उसका उसका मान 100 दर्शकों के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं, सोमवार को यहाँ पर आपको कितने चित्र दिखाई दे रहे हैं, सोमवार को हमें यहाँ पर 6 चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक चित्र का अर्थ 100 दर्शक है। यहाँ पर सोमवार को आपको 6 चित्र दिखाई दे रहे हैं, यानी सोमवार को कुल 600 दर्शक वहाँ पर उस सर्कस में मौजूद थे। इसी प्रकार बच्चों मंगलवार को देखिए, आपको वहाँ पर 7 चित्र दिखाई दे रहे हैं, यानी मंगलवार को कितने दर्शक थे वहाँ पर, 7 × 100 यानी कि 700 दर्शक। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर सोमवार से शनिवार तक दर्शकों की संख्या यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से प्रदर्शित की जा रही है। यह देखने में बच्चों रोचक भी दिखाई देता है और इसे हम आसानी से समझ भी सकते हैं। यदि हम इस चित्र को देखें तो सबसे ज़्यादा अधिक सबसे अधिक दर्शक किस दिन आए हैं बच्चों,
शनिवार को। शनिवार को देखिए चित्रों की संख्या सबसे अधिक है, यानी शनिवार को दर्शकों की संख्या सबसे अधिक थी। तो इस प्रकार से बच्चों हमने अभी टैली विधि और चित्र आरेख को समझा है। आइए अब हम जानते हैं इसकी तीसरी विधि जो है दंड आरेख। दंड आरेख को ही बच्चों हम बार चार्ट भी कहते हैं या बार डायग्राम भी कहते हैं। बच्चों इसके द्वारा हम एकल अथवा सामूहिक सांख्यिकीय आंकड़ों के मानों को आयताकार दंडों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां प्रत्येक दंड की लंबाई उसके द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे मान के अनुपात में रखी जाती है। दंड आरेख को बच्चों हम स्तंभ रेखाचित्र भी कहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न पद मूल्यों को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज स्तंभों के द्वारा तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों अभी आप देखेंगे कि दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं। दंड आरेख बच्चों कुल दो प्रकार के होते हैं, क्षैतिज दंड आरेख और ऊर्ध्वाधर दंड आरेख। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्षैतिज दंड आरेख क्या होता है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कहते हैं। क्षैतिज दंड आरेख में बच्चों जब आंकड़ों को प्रदर्शित करने में दंड खड़े न होकर लेटी दशा में बनाए जाते हैं तो उन्हें हम क्षैतिज दंड आरेख कहते हैं। यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जितने भी दंड है वह लेटी अवस्था में है, तो ऐसे दंड आरेख को हम क्षैतिज दंड आरेख कहते हैं। इसे भी देखकर बच्चों बहुत आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है, बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसका मान अधिक है किसका मान कम है। इसी प्रकार बच्चों आइए समझते हैं ऊर्ध्वाधर दंड आरेख को। ऊर्ध्वाधर दंड आरेख में आंकड़ों को प्रदर्शित करने में जो दंड है वह खड़ी दशा में बनाए जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वर्टिकल बार ग्राफ भी कहते हैं। यहाँ पर इस चित्र में आप देखिए सारे जो दंड है वो खड़ी दशा में है, तो ऐसे दंड आरेख को हम ऊर्ध्वाधर दंड आरेख कहते हैं। तो बच्चों आइए अब हम जानते हैं कि आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी में कौन कौन सी विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रमुख तीन विधियां। सबसे पहली है समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका और तीसरा है बहुलक। तो आइए बारी बारी से हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक को समझते हैं। समांतर माध्य मतलब बच्चों माध्य, या फिर अंग्रेजी में हम इसे एवरेज भी कहते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बच्चों जितने भी आंकड़े दिए जाते हैं हम सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं और आंकड़ों की संख्या से हम उसे भाग दे देते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको आंकड़ों की जगह पर प्रेक्षण शब्द दिखाई दे रहा होगा। समांतर माध्य का सूत्र क्या बन गया बच्चों, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आइए इससे संबंधित हम एक प्रश्न देखते हैं। अब एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी द्वारा एक ओवर में बनाए गए रन क्रमशः 2, 4, 0, 2, 0, 4 है। आप जानते ही हैं कि एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती हैं, तो 6 गेंदों में उस क्रिकेटर द्वारा कितने कितने रन बनाए गए हैं, यहाँ पर आपको आंकड़ों में यही दिया गया है। अब उस खिलाड़ी का आपको औसत स्कोर ज्ञात करना है, यानी एवरेज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सभी मानों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 6 गेंदों में जो स्कोर बनाए गए हैं उन्हें हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर बच्चों हमें प्राप्त हो रहा है 12, और यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या कितनी है 6, तो हम 12 से 6 को भाग देंगे और इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त होगा 2। यानी उस खिलाड़ी का उस ओवर में औसत स्कोर कितना आया बच्चों, 2। तो इस प्रकार से हम प्रेक्षणों को योग करके और प्रेक्षणों की संख्या से उसे भाग कर किन्हीं भी आंकड़ों का आसानी से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों आइए अब हम समझते हैं कि माध्यिका क्या होती है। यदि मैं बच्चों सरल शब्दों में आपको कहूँ तो समूह के मानों को यदि मैं क्रमबद्ध तरीके से जमाऊँ उनके जो बीच का मान आएगा, जो मध्य का मान आएगा, उसे ही हम सरल शब्दों में माध्यिका कहते हैं। अब बच्चों माध्यिका ज्ञात करने के दो सूत्र होते हैं, जब मानों की संख्या, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो और जब आंकड़ों की संख्या सम हो। तो आइए समझते हैं कि ये दो प्रकार के सूत्र किस लिए हैं। यहाँ पर बच्चों आपको स्क्रीन में उंगलियाँ दिख रही होंगी, हाथों की उंगलियाँ। यदि हमारे हाथों में बच्चों 5 उंगलियाँ हैं और यदि मैं आपसे कहूँ कि इनमें से बीच की उंगली आप खोज के बताइए, तो आप आसानी से इस उंगली को ज्ञात कर लेंगे।
तो यहाँ पर बच्चों आंकड़ों की संख्या कितनी है? 5, यानी विषम है। तो जब आंकड़े विषम संख्या में होते हैं तो बच्चों हम माध्यिका आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। पर बच्चों आप दूसरे चित्र में देखिए, यदि हाथों में 6 उंगलियां आपकी हों तो उस स्थिति में यदि मैं आपसे कहूँ कि बीच की उंगली खोज के दिखाइए तो आपको उसे खोजना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आंकड़ों की संख्या कितनी है? 6, यानी कि सम है। तो यहाँ पर बच्चों जब आंकड़ों की संख्या विषम हो और जब आंकड़ों की संख्या सम हो, दो अलग अलग स्थितियाँ हैं। दोनों ही स्थितियों में हम माध्यिका ज्ञात करने की अलग अलग सूत्र पढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि माध्यिका ज्ञात करने के क्या क्या सूत्र हैं। यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे होंगे, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है एन धन एक बटे दो वा पद। यहाँ पर एन मतलब बच्चों पदों की संख्या। इसी प्रकार बच्चों जब आंकड़ों की संख्या सम हो तब हम माध्यिका किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? एन बटे दो धन एक वा पद धन एन बटे दो वा पद, और इन दोनों के योग को हमें दो से भाग करना है। जो भी उत्तर आएगा वही आपकी माध्यिका होगी। और इन दोनों ही सूत्रों में बच्चों एन का मान होता है पदों की संख्या। तो आइए अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। बच्चों आइए अब हम माध्यिका से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे होंगे, इन आंकड़ों का आपको माध्यिका ज्ञात करना है। आंकड़े हैं बच्चों 15, 35, 18, 26, 19, 25, 29, 20, 27। माध्यिका ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें उन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होता है। यहाँ पर मैंने इन आंकड़ों को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में जमा लिया है। बढ़ते क्रम में जमाने के बाद हमें आंकड़े इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 35। यहाँ पर बच्चों जब आप आंकड़ों को गिनेंगे यानी पूरे पदों को गिनेंगे तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? 9। 9 पद कुल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि n का मान है। तो यहाँ पर n का मान कितना आ रहा है बच्चों? 9, जो कि एक विषम संख्या है। यहाँ पर जब n का मान विषम हो तब हम माध्यिका का वो सूत्र यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। सूत्र क्या होगा बच्चों? n धन 1 बटे 2 वा पद। यहाँ पर n का मान 9 रखने पर हमें प्राप्त हो रहा है 10 बटे 2 वा पद का मान, और 10 बटे 2 वा पद का मान मतलब बच्चों पांचवें पद का मान। अब बच्चों जो प्रमुख बात है वह यह है कि ये जो पांचवें पद का मान है आपको प्रश्न से नहीं लेना है। आपको इस पांचवें पद का मान जब आपने आंकड़ों को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में जमाया था उन आंकड़ों में से आपको पांचवें पद का मान लेना है। आइए देखते हैं, जब हमने आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाया था तो उसमें से पांचवा पद कौन सा है? यहाँ पर बच्चों यदि हम देखें तो इसमें से पांचवा पद है 25। तो इस प्रकार से बच्चों इन आंकड़ों का माध्यिका क्या हो गया? 25। तो इसी प्रकार से बच्चों हमने माध्यिका के दो सूत्र पढ़े हैं, एक सम संख्या के लिए एक विषम संख्या के लिए। यहाँ पर हमने विषम संख्या का उदाहरण पढ़ा है, इसी के जैसे आप सम संख्या वाला सूत्र प्रयोग करके भी माध्यिका ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। आइए बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक जो कि बहुलक है उसे समझते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ रंग दिखाई दे रहे होंगे और कुछ दिनों के नाम। ये बच्चों एक सप्ताह में मेरे द्वारा पहने गए कपड़ों के रंग है। मुझे जो कलर पसंद है मैं उन रंगों को यहाँ पर इस हफ्ते में पहनी हूँ। यहाँ पर आप देखिए, सोमवार को मैंने पीले रंग के वस्त्र पहने थे, मंगलवार को नीले रंग के, बुधवार को पीले, गुरुवार को पीले, शुक्रवार को हरे रंग का, और शनिवार को काला रंग का, और रविवार को लाल रंग के कपड़े मैंने पहने थे। बच्चों यदि इन आंकड़ों को हम ध्यान से देखें तो सबसे अधिक बार मैंने कौन से रंग पहने हैं, या यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो सबसे अधिक मुझे कौन सा रंग पसंद है? जी हाँ, पीला रंग, क्योंकि मैंने पीले रंग को सबसे अधिक बार इस पूरे सप्ताह में पहना है। तो बच्चों ये तो हो गई रंगों की बात। इन रंगों में जो रंग सबसे अधिक बार जिसकी पुनरावृत्ति हुई है वही इसका क्या कहलाएगा? बहुलक। तो बच्चों ये तो रंगों की बात है, आइए अब हम बहुलक को
संख्याओं के माध्यम से यानी आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं। तो बच्चों आइए बहुलक क्या होता है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी श्रेणी में अथवा बारंबारता वितरण सारणी में चर का वह मान जो सबसे अधिक बार उपस्थित हो, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हो, वो ही क्या कहलाता है बच्चों? बहुलक कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हम मोड भी कहते हैं। आइए अब हम बहुलक से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। एक फुटबॉल टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा पहने हुए जूतों के नाप के नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बच्चों पता ही है कि फुटबॉल के टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं और उन 11 खिलाड़ियों द्वारा अलग अलग नाप के जूते पहने जाते हैं। यहाँ पर उन 11 खिलाड़ियों द्वारा पहने गए जूतों के नाप के नंबर दिए हुए हैं। 6, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 6, 7, 8। अब इनमें से बच्चों हमें ज्ञात करना है बहुलक। तो बच्चों सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं। आइए हम इसे जमाते हैं। 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8। यहाँ पर बच्चों यदि हम इन आंकड़ों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 कितने बार आया है? एक बार। 5 कितने बार आया है बच्चों? दो बार। 6 चार बार, 7 तीन बार और 8 जो है यहाँ पर एक बार आया है। यानी बच्चों यहाँ स्पष्ट है कि सबसे अधिक 6 अंक सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति हुई है। यानी यहाँ पर इन आंकड़ों में जो बहुलक है वो क्या होगा? 6, जो कि यहाँ पर 4 बार हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों बहुलक होगा 6, यानी सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों द्वारा पहने गए जूतों के नाप के नंबर हैं 6। तो बच्चों समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनसे संबंधित गृह कार्य अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें दो प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। प्रश्न एक है, दिए गए आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है, और प्रश्न दो में आपको संख्याओं के समूह का माध्यिका ज्ञात करना है। प्रश्न दो में जो आंकड़े हैं बच्चों वो है 23, 29, 20, 32, 23, 21, 33 और 25। तो बच्चों इन गृह कार्य के प्रश्नों को आप ज़रूर करिएगा और गृह कार्य के रूप में मुझे करके भेजिएगा। निरंतर बच्चों अभ्यास करते रहिए। अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।